विपक्ष के लोगों को कुछ नहीं मिलता तो दो शब्द इनके हर भाषण में आपको सुनाई देंगे, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में। 15 का जनादेश किसके लिए? महागठबंधन के लिए, सरकार किसके साथ चलाई? एनडीए के साथ। 20 का जनादेश किसके लिए? एनडीए के लिए, सरकार किसके साथ चला रहे? महागठबंधन के साथ। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? 5 साल तक आपको श्रद्धा अटल जी याद नहीं आते, महागठबंधन में जा रहे हैं तो उनको हाथ दिखाने के लिए, और दिल्ली तो गए थे हाथ दिखाने, दबाव की राजनीति। और ये लोग बोलते हैं भैया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया गया संविधान इतना कमजोर है कि बात बात में वो खतरे पे आ जाता है? जो लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब INDIA गठबंधन के साथ जब ये जाते हैं वहां जाकर ये बड़ी बड़ी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, फैशन बन गया आजकल बोलना। विपक्ष के लोगों को कुछ नहीं मिलता तो दो शब्द इनके हर भाषण में आपको सुनाई देंगे, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में। मजाक है क्या ये देश? क्या ये देश इतना हल्का है कि इसमें कोई भी आएगा और लोकतंत्र की हत्या कर देगा? क्या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया गया संविधान इतना कमजोर है कि बात बात में वो खतरे पे आ जाता है? और कौन लोग बात कर रहे हैं भैया लोकतंत्र की हत्या की, जिन्होंने खुद जनादेश का 2-2 बार अपमान करने का काम किया। 15 का जनादेश किसके लिए? महागठबंधन के लिए, सरकार किसके साथ चलाई? एनडीए के साथ। 20 का जनादेश किसके लिए? एनडीए के लिए, सरकार किसके साथ चला रहे? महागठबंधन के साथ। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या बार बार आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं? रहिएगा इस गठबंधन में, ताकिएगा उसमें, रहिएगा उसमें, ताकिएगा इधर। ये कैसा लोकतंत्र है भैया आपका? 5 साल तक आपको श्रद्धा अटल जी याद नहीं आते, महागठबंधन में जा रहे हैं तो उनको हाथ दिखाने के लिए, और दिल्ली तो गए थे हाथ दिखाने, नहीं मतलब हकीकत में भी हाथ दिखाने गए थे, एम्स गए थे अपने आंख का इलाज, क्योंकि बिहार के किसी अस्पताल पे इनका विश्वास है, एम्स में गए थे अपनी आंख का इलाज कराने। पर आप तो दिखाकर आए अपने गठबंधन को भी दबाव की राजनीति। और ये लोग बोलते हैं भैया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र के स्तंभ को ये लोग सुरक्षित नहीं रख पा रहे, अपने पुलिस के अधिकारियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, पत्रकारों की हत्या हो रही है हमारे राज्य में। जिस तरीके से अररिया में, रानीगंज में, वहां पर जिस तरीके से विमल कुमार यादव जी की आज सुबह उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, आपके राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम बिहारी तो बहुत दूर की बात है भाई, आम बिहारी ने तो अब आपसे उम्मीद तक छोड़ दी। जितनी हत्याओं पे अब हम जाते हैं वहां के लोग खुद रोते हैं, खुद अपने आंसू पोंछ देते हैं, मांग तक उन्होंने रखना छोड़ दिया। भैया क्या मांग रखेंगे, क्या मिलेगा इस सरकार से? उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है, और जब आप किसी की उम्मीद तोड़ते हैं, जब आप किसी की आस तोड़ते हैं मुख्यमंत्री जी, तो उसका सब कुछ मिट मिट जाता है। आज अगर बिहारी जीता है तो इस उम्मीद पर जीता है कि चलिए हमने जैसे तैसे अपनी जिंदगी बिताई, पर कल को हमारा आने वाला भविष्य तो बेहतर है। पर जब आप इस उम्मीद को भी तोड़ देंगे, जब भविष्य की किसी को उम्मीद नहीं रहेगी, वो आस नहीं रहेगी, वो कल्पना नहीं रहेगी, तो बिहारी कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगा? और यही कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहारियों की उम्मीद तोड़ रहे हैं।